Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आज का जो व्याख्यान है वह व्याख्यान है व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अंतर यानी कि पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस सत्र के अंत तक आप निम्न में सक्षम हो पाएंगे हम इसमें बात करने वाले हैं व्यक्तिगत मानव व्यवहार के बारे में इसके अलावा हम व्यक्ति व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों की बात करेंगे इसमें हम व्यक्तित्व ढांचे के बिग फाइव आयामों की और एम की अवधारणा की बात करेंगे और साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्यक्तित्व लक्षणों को भी जानेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या है कुछ लोग शांत यानि कि क्वाइट और निष्क्रिय होते हैं यानी कि पैसिव लेकिन वहीं इसके विपरीत कुछ लोग जोरदार यानि कि लाउड और आक्रामक होते हैं यानी कि अग्रेसिव होते हैं क्या कुछ प्रकार के व्यक्तित्व कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं इससे पहले कि हम इन सब सवालों के जवाबों की बात करें हमें यह जानना ज़रूरी है कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी होती क्या है हम इन सवालों का जवाब तभी दे पाएंगे जब हम यह समझ पाएंगे कि पर्सनालिटी क्या है व्यक्तित्व क्या है तो जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वह है एक लैटिन शब्द यानी कि पर्सनालिटी एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका नाम है परसोना और जिसका अर्थ होता है मास्क या स्पीक थ्रू रोमन लोगों के लिए व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का अर्थ होता है जैसा कोई दूसरों को दिखता है उन्होंने इस शब्द का अर्थ यही निकाला है कि हम जिस प्रकार दूसरों को दिखते हैं वह हमारी पर्सनालिटी यानी कि वह हमारा व्यक्तित्व होता है इसके अलावा परसोना की अगर हम बात करें तो परसोना से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के बदलते रूप से है इसी कारण जब हम पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपनी बोलचाल वेशभूषा रूप रंग आदि से दूसरों को प्रभावित करने के अर्थ में करते हैं कि हम किस प्रकार लोगों को प्रभावित कर पाते हैं वह हमारी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व होता है व्यक्तित्व इस प्रकार शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के एक स्थिर यानी कि स्टेबल सेट को जोड़ता है बहुत सारी जगहों पे यह कहा जाता है जब आपसे पूछा जाता है आपका व्यक्तित्व कैसा है तो आप कहेंगे मैं शांत इंसान हूँ मैं बहुत ही उत्तेजित इंसान हूँ लेकिन सिर्फ मानसिक विशेषताएं नहीं होती हैं पर्सनालिटी में मानसिक के साथ साथ शारीरिक विशेषता आप दिखने में कैसे हैं आपका रंग क्या है इस पर भी जब हम बात करते हैं तो ये दोनों चीजें यानी कि मानसिक और शारीरिक विशेषताएं मिलकर किसी इंसान का व्यक्तित्व बनाती हैं ये दोनों ही चीज़ों का दोनों ही विशेषताओं का अहम किरदार होता है जो व्यक्ति अपने गुणों से दूसरों को जितना ज्यादा प्रभावित करता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अच्छा और प्रभावशाली माना जाता है और जब हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों रुचियों दृष्टिकोण क्षमताओं तथा योग्यताओं को दर्शाता है इसीलिए हम कह रहे थे कि जो व्यक्तित्व होता है वह किसी इंसान की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का समागम है यह दोनों से बनता है तो चलिए अब समझते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पर्सनालिटी के तो सबसे पहले जिस कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूंगी वह होता है अनक अनोखा और अलग होना हर व्यक्ति का व्यक्तित्व हर दूसरे इंसान से अलग और अनोखा होता है अब आप कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जिस प्रकार चंचल हूं वैसे ही मेरा दोस्त चंचल है तो हम तो मिलते हैं एक दूसरे से आप जरूर मिलते होंगे कुछ विशेषताओं में कुछ लक्षणों में लेकिन हर इंसान का व्यक्तित्व किसी ना किसी चीज को लेकर किसी ना किसी लक्षण को लेकर अनोखा होता है अलग होता है यूनिक होता है डिस्टिंक्ट होता है कोई भी दो इंसान पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि व्यक्तित्व हमारे बाहरी और आंतरिक दोनों तत्वों से बनता है बाहरी मतलब फिजिकल शारीरिक और आंतरिक मतलब इंटरनल यानी कि मानसिक मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स तो जब भी आप अगली बार आपसे कोई आपके व्यक्तित्व के बारे में पूछे तो व्यक्तित्व में दोनों ही विशेषताओं का वर्णन आपको करना चाहिए सिर्फ एक विशेषता नहीं होती है इसके अलावा जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की यानी कि व्यक्तित्व की तो यह एक परसेप्चुअल प्रोसेस है यानी कि अवधारणात्मक क्रिया है हर इंसान का व्यक्तित्व के हिसाब से हर इंसान की अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग सोच अलग अलग मानसिकता होती है अलग अलग धारणा बनती है और सिर्फ यही नहीं जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्तित्व की तो व्यक्तित्व व्यवहार के स्थिर पैटर्न की बात करता है यानी कि स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है ऐसा नहीं कि आज आप ने गुस्सा किया तो आप गुस्सेल हो गए और कल आप शांत थे तो आप कहें कि मेरा व्यक्तित्व शांत है नहीं आपका जो व्यक्तित्व आपकी जो विशेषताएं आप स्थिर रहते हुए हर सिचुएशन में उन विशेषताओं या उन विशेषताओं को हम आप में देख सकते हैं उसको पर्सनालिटी कहा जाता है उसको व्यक्तित्व कहा जाता है तो यह व्यक्तित्व की विशेषताएं थी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्यक्तित्व के निर्धारक कौन है निर्धारक क्या क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है किस प्रकार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है तो इसके अलग अलग कारक होते हैं अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कारकों की बात करूं तो इसको तीन अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है पहले कारक यानी कि एनवायरमेंटल बाहरी वातावरण कारक होते हैं इसके अलावा जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और तीसरे सिचुएशनल फैक्टर्स यानी कि स्थिति से संबंधित कारक होते हैं तो पहले हम जिस कारक की बात डिटेल में करने वाले हैं वह कारक होते हैं जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारा व्यक्तित्व किसी भी इंसान का व्यक्तित्व निर्धारित होता है जैविक कारकों से यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स से इसमें जो सबसे पहला कारक मैं बात करना चाहूंगी वह होता है हेरिडिटी यानी कि वंशागति कारक इसको पहले मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगी कि आपने बहुत ही कॉमनली ये बातें सुनी होंगी कि उस इंसान की हंसी अपनी दादी पर गई है या वह इंसान बिल्कुल अपने पिताजी की तरह निर्णय लेता है तो यह सब क्या है एक इंसान की विशेषता हंसने की विशेषता निर्णय लेने की विशेषता यह कहां से उसे मिली यह उसे मिली अपने पूर्वजों से अपने माता पिता से तो यह होता है हेरिडिटी फैक्टर कि आपको कुछ विशेषताएं अपने व्यक्तित्व की अपने पूर्वजों से मिलती हैं तो ये एक कारक हुआ जैविक कारकों में इसमें मैं दूसरा कारक जिस पर बात करूंगी वह है मस्तिष्क कारक यानी कि ब्रेन फैक्टर इस कारक को कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यह बहुत ही प्रभावपूर्ण है लेकिन वहीं कुछ रिसर्चर्स का मानना होता है कि यह एक मिथ्या है लेकिन फिर भी रिसर्च द्वारा पता किया गया तो पता चला कि नहीं ब्रेन यानी कि आपका मस्तिष्क भी बहुत प्रभाव डालता है आपकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व पर जैसे कि आपने सुना होगा आपका मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है बाया मस्तिष्क यानी कि लेफ्ट ब्रेन और दाया मस्तिष्क यानी कि राइट ब्रेन तो यह माना जाता है शोध के अनुसार कि जो जिन लोगों का दाया मस्तिष्क जिनके हेमिस्फेयर में दाया मस्तिष्क का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है बाएं मस्तिष्क के कंपैरिजन में तो वह लोग बहुत ही सोशल होते हैं मिलनसार होते हैं क्रिएटिव होते हैं यानी कि रचनात्मक होते हैं नई चुनौतियां लेना चाहते हैं लोगों से बात करना उन्हें अच्छा लगता है सीखना अच्छा लगता है वहीं पर अगर हम बाय मस्तिष्क वाले लोगों की बात करें तो वह लोग थोड़े से संकुचित होते हैं अग्रेसिव होते हैं यानी कि आक्रामक होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं उन्हें ज्यादातर ज्यादा लोगों से बहुत बातचीत करना सामाजिक व्यवहार बहुत ज़्यादा रखना अच्छा नहीं लगता है तो अब देखिए यह विशेषताएं आपकी पर्सनालिटी की यह लक्षण आपके व्यक्तित्व के कहाँ से आए यह डिसाइड हुआ कि आपके मस्तिष्क का कौन सा पार्ट दाया मस्तिष्क या बाया मस्तिष्क कौन सा पार्ट ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है उसके आधार पर यह डिसाइड हुआ कि आप या आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा इसके अलावा जब हम जैविक कारकों की बात करते हैं तो इसमें एक और महत्वपूर्ण कारक होता है जो होता है शारीरिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल फीचर्स आपके शारीरिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल फीचर्स कैसे हैं आपकी पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व उस पर निर्भर करेगा जैसे कि देखा गया है जो लोग बहुत टॉल मस्कुलर होते हैं तो वो थोड़े आक्रामक होते हैं अग्रेसिव होते हैं उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है लेकिन वहीं पर जो लोग पतले दुबले वह थोड़े संकुचित रहते हैं शाये लोग होते हैं वो वह लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं वैसे ही जैसे जो थोड़े छोटे हाइट के थोड़े मोटे होते हैं वह थोड़े हैप्पी गो लकी काइंड होते हैं वो चाहते हैं अपने आसपास का माहौल एक अच्छा माहौल रखना तो ये देखिए कैसे डिसाइड हुआ आपका व्यक्तित्व आपका व्यक्तित्व डिसाइड हुआ आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर आपके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर देखिए जब हम बात करते हैं कारकों की तो मैं यह नहीं कह रही कि यह सारे कारक हर स्थिति में हर सिचुएशन में आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे लेकिन हां शोध के अनुसार यह पता चलता है कि यह कारक भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं जब हम आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो यह तो थे जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स अब हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है बाहरी वातावरण के कारक यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स किसी भी इंसान का व्यक्तित्व उसके आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है और उसके अंदर इसी प्रकार के वातावरण के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी या फिर उसका व्यक्तित्व ढलता है तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं संस्कृति की यानी कि कल्चर की जैसा कि एक कॉमन उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर यानी कि पाश्चात्य संस्कृति और पूर्वी संस्कृति जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा है तो वह है बड़ा ही आत्मनिर्भर होता है इंडिपेंडेंट होता है वह इंडिपेंडेंसी सीखता है वह खुद के कार्य खुद करना सीखता है वह अपने निर्णय लेना खुद सीखता है लेकिन अगर अभी हम जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो अगर हम अपने भारत के कल्चर की बात करें तो वहाँ पर हम फैमिली सपोर्ट को बड़ा मानते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चा होता है उसे हर निर्णय लेने के लिए अपने माँ बाप की हामी की ज़रूरत होती है साथ की ज़रूरत होती है तो कही न कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि उनकी जो पर्सनालिटी बनती है वो डिपेंडेंट होते हैं चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वह फिर भी डिपेंडेंट रहते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में उनके व्यक्तित्व में ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया जिस कल्चर में वो रहे उस कल्चर ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया लेकिन वहीं अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुलापन है लेकिन अगर हम ईस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ के वहाँ पर बड़े हुए बच्चे थोड़े संकुचित विचार के होते हैं थोड़े ट्रेडिशनल थिंकिंग भी होती है सिर्फ कल्चर ही नहीं कल्चर के साथ साथ आपका धर्म आपका रिलीजन भी आपको कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है उदाहरण के तौर पर अगर मैं हिंदुओं की बात करूं देखिए एक ये जनरल एग्जाम्पल है हम किसी रेलिजन को प्राथमिकता नहीं दे रहे किसी रेलिजन को कम नहीं मान रहे किसी धर्म को हम उच्च नहीं मान रहे लेकिन एक उदाहरण के तौर पर जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान से डरो तो उनका जो व्यक्तित्व बनता है उन्हें हर समय यह समझ आता है कि नहीं हमें गॉड फियरिंग बनना है तो गॉड फियरिंग एटीट्यूड एक उनके अंदर आ जाता है और वही उनकी पर्सनैलिटी उनका व्यक्तित्व बन जाता है इसी प्रकार और अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें सिखाई जाती हैं और उन्हीं बातों के आचरण को करते करते वह किसी इंसान का व्यक्तित्व बन जाता है तो अब इसमें कि आपका व्यक्तित्व कैसे बना आपका व्यक्तित्व जैविक कारकों से नहीं बना आपका व्यक्तित्व बना कि आप किस रिलीजन में रह रहे थे आप किस प्रकार की बातें किस प्रकार के धर्म का आचरण कर रहे थे और उस आचरण के हिसाब से आपका व्यक्तित्व ढल जाता है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो परिवार यानी कि फैमिली परिवार का सोशियो इनकम स्टेटस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत प्रभाव डालता है किसी के व्यक्तित्व पर आपने देखा होगा कि जहां पर जिन फैमिलीज में अथहा पैसा है उनको इतना सोचने की जरूरत नहीं होती वहां पर जो बच्चे पलते बढ़ते हैं वह सोचते ही नहीं है कोई सामान खरीदने से पहले वो पूछते ही नहीं है अपने बड़ों से सामान खरीदने से पहले वैल्यू फॉर मनी थोड़ा कम होता है उनके लिए क्योंकि उन्हें पता है उनके पास तो आसानी से संसाधन आ जाएंगे लेकिन वही अगर कोई लोअर इनकम ग्रुप में इंसान होता है तो वो बचपन से क्या सीखता है वो देखता है कि नहीं मुझे वैल्यू फॉर मनी क्या मैं जो पैसा जहां खर्च कर रहा हूं वह सही है उस पैसे को खर्च करने के निर्णय निर्णय भी वह अपने माता पिता से पूछ के लेगा तो यह क्या हुआ यह फैमिली इन्फ्लुएंस। फैमिली में भी ये क्या सोशियो इकोनॉमिक इंस्फ्लुएंस क्या आपका इनकम ग्रुप आपका वेतन वर्ग क्या है उसके हिसाब से आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है इसके अलावा जब हम परिवार की बात करते हैं या फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें आप अपने दादा दादी चाचा चाची नाना नानी इन सब लोगों के साथ रह रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली एक छोटी फैमिली जहां पर एक छोटा परिवार जहां पर सिर्फ आप के माता पिता और आपका एक भाई बहन ही होते हैं यह भी देखा गया है कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का भी इन्फ्लुएंस होता है किसी इंसान की पर्सनालिटी में जब हम जॉइंट फैमिली जब हम ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं तो हम शेयरिंग करना सीखते हैं हमारे अंदर शेयरिंग का लक्षण आता है हम लोगों की बातों को समझना सीखते हैं हम लोगों को वैल्यू करना सीखते हैं लेकिन वही जब हम न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं तो सब चीज़ें हमारे ही आसपास घूमती हैं हम सोचते हैं हम ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं और हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो शेयरिंग के भाव नहीं आ पाते हैं तो अब आप देखिए आपका व्यक्तित्व कैसे बना आप जिस फैमिली स्ट्रक्चर में रह रहे थे आप जिस परिवार संरचना में रह रहे थे उस परिवार की संरचना के हिसाब से आपके अंदर आपके व्यक्तित्व के लक्षण डेवलप हुए इसके अलावा सिर्फ आपकी फैमिली ही नहीं परिवार ही नहीं आपके माता पिता भी आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं ये देखा गया है कि जहां पर माता पिता के बीच के संबंध अच्छे होते हैं खुशनुमा होते हैं तो वहां जो बच्चे पलते बढ़ते हैं उनका व्यक्तित्व भी खुशनुमा बनता है वह ये चीजें सोच पाते हैं वह लोगों की केयर कर पाते हैं वह लोगों के बारे में सोच पाते हैं वह ओपन बनते हैं हर एक से अपने दिल की बात कहने वाले बनते हैं लेकिन वहीं पर जहां पर माता पिता के संबंध अच्छे नहीं हैं तो यह एक बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है वह बच्चा शांत स्वभाव का हो जाता है चिड़चिड़ा रहता है उसके अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है क्योंकि वह अपनी बात किसी से आसानी से बोल नहीं पाता है तो यह व्यक्तित्व कैसे बना यह व्यक्तित्व बना कि आपके माता पिता के बीच के संबंध कैसे हैं उन संबंधों से आपका व्यक्तित्व निर्धारित हुआ और सिर्फ माता पिता के संबंध ही नहीं मैं कहूंगी आपके भाई बहन का भी प्रभाव होता है आपके व्यक्तित्व पर सिबलिंग इन्फ्लुएंस आप जब अपने भाई बहनों को देखते हैं तो बहुत सी चीजें आपके अंदर आती हैं और यह भी देखा गया है कि आपका कौन सा क्रम है बर्थ में अगर आप सबसे बड़े भाई या बहन हैं अपने परिवार में तो आप बहुत ही समझदार दूसरों को हर चीज देने वाले फॉर गिविंग एटीट्यूड वाले बनते हैं लेकिन वही अगर आप सबसे छोटे भाई या बहन हैं अपने फैमिली में तो आप एक केयर फ्री एटीट्यूड वाले इंसान बनते हैं जो ज्यादा चीजों के बारे में सोचता नहीं है बस कार्य करता है खुश रहता है इंडिपेंडेंट होता है अपने निर्णय खुद लेता है तो यह आपकी आप कौन से क्रम पर हैं अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स में वह आपके पर्सनालिटी को यानी कि व्यक्तित्व को निर्धारित कर रहा है सिर्फ यही नहीं इसके अलावा आपका विद्यालय आपका स्कूल यह भी आपकी पर्सनालिटी को निर्मित करने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है आप जो स्कूल में पढ़ते हैं आपके जो शिक्षक आपको सिखाते हैं शिक्षक की जो पर्सनालिटी होती है उनकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आप अपने पर्सनालिटी के अंदर अपने व्यक्तित्व में ढालते हैं आप अपने दोस्तों से जब मिलते हैं तो उनसे आप अपने शेयरिंग आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं और वही आपके धीरे धीरे अच्छी बुरी देखिए मैं सिर्फ अच्छी ही चीजों की बात नहीं करूंगी मैं अच्छी चीजों की भी बात करूंगी व्यक्तित्व के कुछ अच्छे लक्षण भी होते हैं कुछ बुरे लक्षण भी होते हैं और हम वो दोनों ही चीजें अपने स्कूल अपने दोस्तों अपने शिक्षकों से सीखते हैं वहां के वातावरण से सीखते हैं आप देखिए दो तरीके के विद्यालय हैं एक विद्यालय है जिसमें बहुत ही डिसिप्लिन अनुशासन हो रहता है हर चीज के लिए चाहे वो कार्य करने का हो चाहे वो आपकी यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो कुछ भी हो लेकिन एक विद्यालय है जहाँ पे कोई अनुशासन नहीं है कोई आपको कुछ नहीं कहता कि आपको कैसी यूनिफॉर्म में आना है आपको किस प्रकार से कार्य करना है आपको किस प्रकार अपनी कार्य पुस्तिका बनानी है तो आपने अपने स्कूल से क्या सीखा डिसिप्लिन सीखा अनु अनुशासन में रहना सीखा और वही चीज आपके भी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम अपने कार्यस्थल से नहीं हमारा व्यक्तित्व हमारा हमारी पर्सनालिटी प्रभावित होती है निर्मित होती है हमारे कार्यस्थल से भी अब देखिए ये जो कारक मैंने बात करी अभी यह सब कारक मैं यह नहीं कहूंगी कि हर स्थिति में सही है लेकिन शोध के अनुसार यह पता चला है कि यह कारक भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं जब बात आती है किसी के व्यक्तित्व को निर्धारित करने की तो यह सब फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसी की पर्सनालिटी। हो सकता है कि आप एक ऐसे विद्यालय में है जहां पे बहुत अनुशासन है तो ये भी पॉसिबल है कि आप अनुशासन ना सीखें यह भी पॉसिबल है क्योंकि शायद आपकी संगत कुछ और लोगों के साथ रही होगी आपका इंटरेस्ट कुछ और लोगों में रहा होगा तो ये सारे जो कारक हैं, ये कारक आपकी व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं इसके अलावा एक और कारक जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वह होते हैं स्थिति से संबंधित कारक यानी कि सिचुएशनल फैक्टर्स व्यक्तित्व को व्यक्तिगत गुण यानी कि पर्सनल पर्सनल क्वालिटी के रूप में जाना जाता है जो परिस्थितियों यानी कि सिचुएशन से प्रभावित होता है कभी कभी सुखद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को किसी स्थिति में क्रोध आ सकता है तो यह है सिचुएशनल फैक्टर कि आप बहुत ही कूल cool, काम सुखद व्यक्तित्व वाले इंसान हैं लेकिन आपके सामने आपके परिवार वाले को कोई मार रहा है या पीट रहा है तो क्या आप तब भी सुखद कूल काम व्यक्तित्व वाले इंसान रहेंगे नहीं उस सिचुएशन में उस स्थिति में आपको गुस्सा आ, आ सकता है आप भी आक्रामक हो सकते हैं चाहे आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व ज्यादातर स्थितियों में देखा गया है कि आप एक सुखद कूल काम कंपोस्ट पर्सनालिटी वाले इंसान हैं तो यह है सिचुएशनल फैक्टर्स कभी कभी तो यह सिचुएशनल फैक्टर्स हमारे कुछ हिडन ट्रेट्स, जैसा कि मैंने बोला कि आप आक्रामक हो गए तो यह आपका शायद सेकेंडरी ट्रेट रहा आपके अंदर है तो लेकिन यह बाहर नहीं आता है यह दबा हुआ है यह कुछ स्थितियों में ही आता है लेकिन कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि आपके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से बदल देते हैं और आपका व्यक्तित्व टोटली चेंज हो जाता है और अलग हो जाता है जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ कि कोई एक इंसान था जिसके जिंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ बहुत अच्छा था उसके पास खूब पैसा था खूब शोहरत थी खूब संसाधन थे लेकिन एकदम से किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि उसके सारे संसाधन उसके हाथ से चले गए जो इंसान पहले बहुत खुशनुमा रहता था उसे लोगों से बात करना अच्छा लगता था उसका पर्सनालिटी शायद अब चेंज हो गया वो थोड़ा सीरियस हो गया लाइफ के प्रति अपने करियर के प्रति जो कि पहले उसमें नहीं था क्योंकि उसे पहले लगता था उसके पास बहुत संसाधन हैं लेकिन अब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार इंसान हो गया है तो यह भी सिचुएशनल फैक्टर्स का ही हिस्सा होते हैं तो अभी हमने जिन पर बात करी हमने बात करी कि कौन कौन से ऐसे निर्धारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं या प्रभाव डालते हैं हर इंसान के अलग अलग मैकेनिज्म है और उस मेकेनिज्म के हिसाब से अलग अलग कारक अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं उनके ऊपर तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द बिग फाइव व्यक्तित्व लक्षणों की यानी कि द बिग फाइव डायमेंशन द दा बिग फाइव पर्सनैलिटी डायमेंशन बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स जिसे हम फाइव फैक्टर मॉडल या कि यानी कि एफ एफ एम और ओशियन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है 1980 के दशक के बाद से विकसित व्यक्तित्व लक्षणों के लिए यह एक सुझाई गई वर्गीकरण और समूहीकरण है द बिग फाइव पर्सनैलिटी थेरी दूसरों को समझने और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करती है यह जानकर कि लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं उसके पीछे क्या है अगर हमारे को ये समझ आ जाए तो हमारे रिश्ते और लोगों के साथ और बेहतर हो जाएंगे तो बिग फाइव डायमेंशन जो होता है द बिग फाइव व्यक्तित्व के लक्षण जो होते हैं अगर हम उन लक्षणों को समझ पाएं, ये जो थेरी है ये हमें मदद करती है दूसरों को समझने के लिए कि उनका व्यक्तित्व कैसा है उनके व्यक्तित्व के क्या विशेषताएं हैं क्या लक्षण हैं जब हमें यह समझ आता है तो हमारी कोशिश बढ़ती है कि हम कैसे अपने रिश्तों को उनके साथ और बेहतर बना पाए तो चलिए अब यह समझते हैं कि कौन से वो पांच व्यक्तित्व के लक्षण हैं जो बिग फाइव पर्सनालिटी डायमेंशन में बात किए गए हैं तो सबसे पहला जिस पर मैं बात करूंगी वह होता है खुलापन ओपननेस टू एक्सपीरियंस जब हम ओपननेस यानी कि खुलापन की बात करते हैं तो यह सभी पांच व्यक्तित्व लक्षणों में से सबसे अधिक कल्पना और अंतरदृष्टि पर जोर देता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं आप कितने दूर की सोच रख सकते हैं आप कितने ओपन हैं, कितने खुले हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए जो लोग खुलेपन में उच्च होते हैं यानी कि हाई होते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस में उनके हितों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है यानी कि उनका ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है वह अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर करना चाहते हैं वह एक ही चीज को करते हुए ज्यादा दिन नहीं रह सकते उन्हें नए नए एक्सपीरियंसेस करना अच्छा लगता है उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं वो कई चीजों में एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं वो दुनिया और अन्य लोगों के बारे में बहुत उत्सुक होते हैं एक्साइटेड होते हैं वे जानना चाहते हैं कि उनके आसपास क्या है वह वह लोग बहुत इंक्विजिटिव होते हैं वे सवाल करते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है अगर वैसा है तो क्यों है वे चुपचाप सामने वाले की बात मानकर बैठ नहीं जाते वे बहुत इनक्विजिटिव होते हैं उत्सुक होते हैं नए अनुभवों के लिए वे चाहते हैं कि हर दिन वो एक कोई नया अनुभव करें नया एक्सपीरियंस लें और जब हम नए एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक भी होते हैं अगर हम एक कंपैरिज़न करें कि जो इंसान खुलेपन में उच्च है या जो इंसान खुलेपन में कम है उनके व्यक्तित्व के लक्षण कैसे अलग अलग होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसे अलग होता है तो जो लोग खुलेपन में उच्च होते हैं वे बहुत रचनात्मक होते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा वे नए नए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वे क्रिएटिव होते हैं वे नई चीजों को अपनाना चाहते हैं वे रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं रखते वे चाहते हैं कि नई चीजें सीखें हर दिन नई लोगों को सुने नई तकनीक को देखें नई तकनीक को समझें नई चुनौतियां लें, और इसके साथ साथ उन्हें अमूर्त अवधारणाओं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है और वहीं अगर हम इसके विपरीत बात करें खुलेपन में जो लोग कम होते हैं वह लोग रचनात्मक नहीं होते उन्हें पुराने तरीके से ही काम करना अच्छा लगता है जिस माहौल में वे हैं वह है उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं उन्हें नई चीज़ों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और साथ ही साथ वह नए विचारों का यानी कि परिवर्तन लाने में विश्वास नहीं रखते वह हर कार्य को पुराने तरीके से ही करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उन्हें अमूरत अवधारणाओं के बारे में सोचने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती तो यह था ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो हमने बिग फाइव पर्सनालिटी डायमेंशन में पढ़ा यानी कि खुलापन। इसके बाद हम जिसके बारे में बात करेंगे वह कर्तव्य निष्ठा यानी कि कंसाइशियसनेस जब हम कंसाइशियसनेस की बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि कोई इंसान कितना विचारशील है कितना लक्ष्य उन्मुख है यानी कि गोल ओरिएंटेड है जब हम कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं तो इस प्रकार के इंसान आगे की प्लानिंग करने में विश्वास रखते हैं वह बात करते हैं और समझते हैं कि उनका जो व्यवहार होता है वह दूसरों को भी प्रभावित करता है इसलिए वह अपने व्यवहार को सोच समझ कर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह वह जो भी करेंगे वह दूसरों को भी प्रभावित करेगा इसके अलावा जो लोग कर्तव्य निष्ठा में ज्यादा होते हैं हाई इनकियसनेस वह लोग समय सीमा को भी बहुत ज्यादा मानते हैं उन्हें पता है कि टाइमलाइन डेडलाइन क्या होती है और वो उसी में रहते हुए कार्य करते हैं तो अगर हम बात करें कि जो लोग उच्च होते हैं तो वह लोग तैयारी में समय व्यतीत करते हैं इसके साथ साथ महत्वपूर्ण कार्यों को तुरंत करते हैं और यही नहीं हर एक डिटेल पर भी ध्यान देते हैं जब भी वो कोई कार्य करते हैं सुपरफिशियल कार्य नहीं करते उसमें अंदर जाकर समझकर वो कार्य करते हैं और अपने निर्धारित कार्यक्रम मतलब जो भी वह कार्य करते हैं उसमें आनंद लेते हैं उसमें खुश होते हैं लेकिन इसके विपरीत जो लोग कर्तव्य निष्ठा में कम होते हैं वह लोग कहीं ना कहीं संरचना में कार्यक्रम करना पसंद नहीं करते उन्हें स्ट्रक्चर नहीं पसंद उन्हें डेडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कार्य में विलंब करना तो उनकी एक आदत होती है यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन उनके लिए एक आम बात है और वह वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना पसंद नहीं करते वह अपना कार्य बस सुपरफिशियल रहते हुए ही करना चाहते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे बिग फाइव पर्सनालिटी डायमेंशन की जो कि होता है बहि बहिरमुख मुख्ता यानी कि एक्स्ट्रा वर्जन बाहर मुक्ता यह दर्शाता है कि आप सामाजिक रूप से कैसे बातचीत करते हैं आप कितना सोशल हैं आपको लोगों से बातचीत करना कितना अच्छा लगता है आपको लोगों से दोस्ती करना कितना अच्छा लगता है आप लोगों के प्रति लोगों से मिलने के प्रति कितने उत्तेजित रहते हैं कितने ऊर्जावान रहते हैं ऐसे लोग जो होते हैं यानी कि एक्स्ट्रोवर्ट लोग उन्हें अच्छा लगता है उन्हें ऊर्जा मिलती है जब वे और नए लोगों से मिलते हैं तो तो आइए देखते हैं कि जो लोग बहिर्मुखता में उच्च होते हैं और जो कम होते हैं उनके क्या क्या विशेषताएं हैं क्या क्या व्यक्तित्व होते हैं तो जो लोग में उच्च होते हैं वे हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं यानी कि ध्यान का केंद्र बनना चाहते हैं वे चाहते हैं कि लोग उनसे बात करें लोग उनके बारे में बात करें और उसके साथ साथ वह भी बड़े ही आसानी से दूसरों से बात करने में सक्षम होते हैं दोस्ती करने में सक्षम होते हैं हाँ वह बात करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करते लेकिन इसी के विपरीत अगर हम उन लोगों की बात करें जो कि बहिर में कम होते हैं वह बड़ा ही सोच समझ कर कोई बात बोलते हैं उन्हें अकेलेपन से ही ऊर्जा मिलती है अकेले समय व्यतीत करना उन्हें अच्छा लगता है उन्हें दोस्ती नहीं करना पसंद एकांत एक ही उन्हें पसंद है तो यह था बहिर के कुछ विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सहमतता की यानी कि एग्रीएबलनेस सहमति एक व्यक्तित्व विशेषता है जो यह बताती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ आप कितने दयालु कितने मददगार हैं अगर मैं कह रही हूं कि कोई एक इंसान बहुत ही हेल्पफुल है तो इसका मतलब वह सहमतता में काफ़ी उच्च है एग्रीएबलनेस में ज़्यादा है तो जो लोग एग्रीएबलनेस में हाई होते हैं वे दूसरों की परवाह करते हैं केयर करते हैं और साथ ही साथ वे कोशिश करते हैं कि दूसरों की किसी तरह भी मदद कर पाए और उन्हें खुश कर पाए और यही नहीं वे वो पूरी कोशिश कर देते हैं कि किस प्रकार से वे दूसरों की सहायता कर सके लेकिन इसी के विपरीत अगर हम बात करें तो सहमतल में जो लोग कम होते हैं एग्रीएबलनेस में जो लोग कम होते हैं वे दूसरों के बारे में केयर नहीं करते सोचते नहीं हैं उनके उनको दूसरों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई भी समय नहीं छोड़ते कोई भी स्थिति नहीं छोड़ते हैं और इसके साथ साथ उनको अगर कुछ पाना है तो वह हेर फेर करने में भी नहीं चुकते हैं तो यह थी एग्रीएबलनेस के ट्रेट की बात। इसके आगे पांचवा जो बिग फाइव डायमेंशन पर्सनालिटी ट्रेट है वह है मनोविशुद्धता, यानी कि न्यूरोटिसिज्म। मनोविशुद्धता एक व्यक्तित्व विशेषता है जो उदासी मनोदशा और भावनात्मक अस्थिरता की विशेषता है जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि मनोविशुद्धता में ज्यादा हैं, वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं बहुत आसानी से परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं हताश हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं हर छोटी बात उन्हें बहुत ही छोटी बात होगी लेकिन फिर भी वह इतना हताश हो जाते हैं कि जैसे जिंदगी ही समाप्त हो रही हो बहुत इसी वजह से वह बहुत तनाव में भी रहते हैं और सिर्फ यही नहीं एक ही समय पर वे अलग अलग चीज़ों को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं सल्यूशन ढूंढने की बजाय वो सिर्फ चिंता करते हैं वे यह नहीं सोचते कि इस अगर वो किसी परेशानी में है तो इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए जबकि वो अपना समय उस चिंता के बारे में सोच सोच कर ही निकाल देते हैं तो यह एक नकारात्मक ट्रेट होता है किसी के पर्सनालिटी का लेकिन अगर हम इसके विपरीत बात करें कि जो लोग मनोविशुद्धता में कम होते हैं वह लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं उनकी भावनाएं स्थिर होती हैं उन्हें कोई भी छोटी चीज बहुत जल्दी खुशी भी नहीं देती और दुख भी नहीं देती वे समझ पाते हैं स्थितियों को और वे लड़ने की कोशिश करते हैं अगर स्थितियां विपरीत भी हैं तो वह तनाव से अच्छे से निपटना जानते हैं ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में तनाव नहीं होगा उनकी जिंदगी में तनाव नहीं होगा लेकिन अपनी पर्सनालिटी की वजह से अपने व्यक्तित्व की वजह से क्योंकि उनमें मनोविशुद्धता का ट्रेट का लक्षण कम है इस वजह से वह कोई भी बड़े से बड़े तनाव को आराम से झेल लेते हैं और आराम से मैनेज कर लेते हैं तो यह सारे पांच लक्षण मिलके बनाते हैं द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट जिसको हमने ओशियन मॉडल भी कहा था जिसमें ओ की बात हमने करी जिसको हमने ओपननेस कहा खुलापन कहा हमने सी की बात करी कंसाइश यानी कर्तव्य निष्ठा हमने e की बात करी, एक्स्ट्रावर्जन यानी कि बहिर्मुखता हमने ए की बात करी यानी कि अग्रिएबलनेस हमने एन की बात करी यानी कि न्यूरोटिसिज्म या फिर मनोविशुद्धता तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान के क्या व्यक्तित्व है क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट की मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर यानी कि एम एक आत्मनिरीक्षण आत्म रिपोर्ट प्रश्नावली है यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन इसमें सौ के लगभग आसपास प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को का उत्तर देने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी हमारा खुद का व्यक्तित्व क्या है और इस प्रश्नावली के अनुसार बात करी गई है अलग अलग लक्षणों की अलग अलग व्यक्तित्व के लक्षणों की यानी कि पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स की जब हम इसकी बात करते हैं तो यह है एक आत्मनिरीक्षण आत्मरिपोर्ट प्रश्नावली है जो लोगों को दुनिया को देखने और निर्णय लेने के तरीके में अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्राथमिकताओं का संकेत देती है प्रश्नावली को ईसाबेल मायर्स और उनकी मां कैथरीन ब्रिक्स ने काल जंग के व्यक्तित्व प्रकारों के सिद्धांत के साथ उनके काम के आधार पर विकसित किया था और इसी के बेसिस पर इसी के आधार पर वह चार प्रमुख मनोवैज्ञानिक श्रेणियाँ लेकर आए थे जिसको इंसान दुनिया का अनुभव करते हैं यह चार जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक श्रेणियाँ थी, वो थी बहिर्मुखी या फिर अंतर्मुखी यानी कि एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रावर्जन इसके अलावा संवेदन और अंतर्ज्ञान यानी कि सेंसिंग और इंट्यूशन इसके अलावा विचार और अनुभव यानी कि थिंकिंग और फीलिंग टाइप पर्सनालिटी ट्रेट और आखिरी में निर्णय और धारणा यानी कि जजिंग और परसीविंग टाइप पर्सनालिटी ट्रेड अब आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये पर्सनालिटी ट्रेट आखिर है क्या अगर हम पहले बात करें बहिर्मुखी या फिर अंतर्मुखी बहिर्मुखी या फिर अंतर्मुखी यानी कि एक्स्ट्रोवर्ड और इंट्रोवर्ड बहिर्मुखी यानी कि आउटवर्ड टर्निंग होते हैं अगर आपके व्यक्तित्व में यह ट्रेट है यह लक्षण है तो इस प्रकार के लोग क्रिया उन्मुख होते हैं यानी कि गोल ओरिएंटेड होते हैं और इसके साथ साथ वह लोगों से संपर्क करना उन्हें अच्छा लगता है उसमें उन्हें आनंद आता है उससे उन्हें ऊर्जा मिलती है नए विचारों की बात करना लोगों से उन्हें अच्छा लगता है और अन्य लोगों के साथ वे एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं लेकिन इसी के विपरीत अगर हम बात करें अंतर्मुखी की यानी कि इंट्रोवर्ट या इंट्रावर्टन लोगों की तो वह लोग इनवर्ड टर्निंग होते हैं वह लोग एकांत एक में रहना पसंद करते हैं वह लोग विचार उन्मुख होते हैं यानी कि थिंकिंग ओरिएंटेड होते हैं वह सोचने वह बोलने से पहले दस बार सोचते हैं और वह अपने आप में रहना पसंद करते हैं इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है लोगों के साथ रहकर उन्हें ऊर्जा नहीं मिलती अवॉइड करते हैं हर वो सिचुएशन जहां पर उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े बातचीत करनी पड़े ऐसा नहीं है कि बहिर्मुखी मुखी बड़ी ही सकारात्मक सोच है और अंतर्मुखी नकारात्मक है यह अपना अपना ट्रेट है पर्सनालिटी ट्रेट है बहुत से लोगों का ये मानना था कि इंट्रोवर्ड यानी कि अंतर्मुखी लोग जो होते हैं वे इंटेलिजेंट नहीं होते तो ऐसा नहीं है यह सब मिथ्या है मिथ्स हैं यह सिर्फ आपका पर्सनालिटी, आपका सामाजिक आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है वह बताता है इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने चरण दिया वह था संवेदन और अंतर्ज्ञान का यानी कि सेंसिंग और इंट्यूशन किस तरीके से लोग अपने आसपास की दुनिया से जानकारी इकट्ठा अच्छा करते हैं यह ये बताता है तो अगर हम सेंसिंग यानी कि संवेदन की संवेदन ट्रेट की बात करें तो जो लोग यह पसंद करते हैं वे तथ्यों और विवरणों पे यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जोर देते हैं जबकि इसके विपरीत जो लोग इंट्यूशन पे यानी कि अंतर्ज्ञान पे ज़्यादा होते हैं उनका व्यक्तित्व ज़्यादा होता है तो वह लोग अपने सिक्स सेंस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और सिर्फ यही नहीं जब हम विचार और अनुभव की बात करते हैं यानी कि थिंकिंग और फीलिंग टाइप पर्सनालिटी एट्रीब्यूट की तो यह पैमाना इस बात पर केंद्रित है कि लोग एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर निर्णय कैसे लेते हैं तो अगर हम थिंकिंग की बात करें थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी यानी कि विचार जिनों जिनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट होता है तो वे तथ्य और वस्तुनिष्ठ डेटा पर अधिक जोर देते हैं किसी निर्णय को तोलते समय वे सुसंगत तार्किक और इम्पर्सनल होते हैं लेकिन जब हम फीलिंग टाइप लोगों की बात करते हैं यानी कि अनुभव वह लोगों के साथ भावनात्मक होकर विचार करते हैं और कोई भी निर्णय लेते हैं वे सोचते हैं वे पहले लोगों की भावनाओं के बारे में बात करते हैं और तभी वो निर्णय लेते हैं जैसे कि किसी कंपनी के अधिकारी को यह पता है कि उसे नई मशीन लानी है और कुछ और वो नई मशीन लाने के बाद उसे कुछ लोगों को संगठन से निकालना पड़ेगा तो अगर उस इंसान की पर्सनालिटी थिंकिंग टाइप है तो शायद वो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस होकर अपना डिसीजन लेगा लेकिन अगर उसकी पर्सनालिटी फीलिंग टाइप है तो वह पहले सोचेगा कि मेरे जो लोगों को निकाला जाएगा उनका क्या होगा तब वो नई तकनीक को लाने के बारे में सोचेगा या निर्णय लेगा इसके अलावा जो चौथा चरण था वह है निर्णय और धारणा यानी कि जजिंग और परसीविंग। इसमें लोग बाहरी दुनिया को से कैसे निपटते हैं इस पर बात होती है जब हम जजिंग पर्सनालिटी टाइप यानी कि निर्णय लेने की पर्सनालिटी टाइप वाले लोगों की बात करते हैं तो वह औरों को कंट्रोल करना चाहते हैं वह एक संरचना में रहते हुए कार्य करना चाहते हैं वह बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल या लचीले नहीं होते हैं उन्होंने जिस कार्य को जैसे करने का सोचा था वह अंत तक उस कार्य को वैसे ही करते रहेंगे लेकिन वहीं पर इसके विपरीत अगर आप परसीविंग टाइप पर्सनालिटी ट्रेट है तो वह लोग खुले होते हैं खुले विचारों के होते हैं एक संरचना में रहकर कोई कार्य करने में विश्वास नहीं रखते वह लचीले होते हैं वह सिचुएशन स्थिति के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन परिवर्तित करना जानते हैं और वह दूसरे लोगों को कंट्रोल भी नहीं करते हैं तो यह जो अलग अलग आठ विशेषताएं या व्यक्ति व्यक्तित्व की विशेषताएं मेयर्स और ब्रिक्स ने बताई थी उसके बेसिस पर वह सोलह पर्सनालिटी फैक्टर्स लेकर आए जिसमें उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से कैसे अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं और फिर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्तित्व कौन सी नौकरी कौन से पेशे के लिए सबसे बेहतर है आखिरी में हम बात करने वाले हैं संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले और कुछ प्रमुख लक्षण तो सबसे पहला होता है लोटस ऑफ कंट्रोल लोकस ऑफ कंट्रोल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आपका केंद्र कहाँ है जो आपको कंट्रोल करता है तो इसमें दो तरीके का कंट्रोल होता है एक तो आंतरिक कंट्रोल एक बाहरी बाहरी कंट्रोल आंतरिक कंट्रोल मतलब कि मैं मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरी ज़िंदगी में उसका मैं अपने ऊपर ही कंट्रोल मानती हूँ कि यह जो हुआ वह मेरी वजह से हुआ लेकिन कुछ लोग होते हैं कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली यानी कि वे बाहरी तत्वों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो भी उनके साथ होता है और ज्यादातर अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वह बाहरी तत्वों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं जैसे कि आपका उदाहरण लिया जाए आप अगर इंटरनली गाइडेड पर्सन हैं तो आपके अगर नंबर परीक्षा में अच्छे नहीं आए तो आप ये सोचेंगे कि क्यों अच्छे नहीं आए शायद मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं करी थी शायद मैंने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए थे या कुछ भी तो आप अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं लेकिन वही अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप ये ढूंढने की बजाय कि आप में क्या कमी रही आप ये कह रहे हैं कि आपके टीचर ने आपको अच्छे नंबर नहीं दिए प्रश्न पत्र बहुत बेकार आया था तो ये क्या हुआ कि आप बाहरी तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आपका जो केंद्र है जो आपको कंट्रोल करता है वो आपके बाहर है आप भाग्य की बात करते हैं कि आपके भाग्य में नहीं था आपकी डेस्टिनी में नहीं था इसलिए नहीं हुआ आप ये नहीं कह रहे कि आपने शायद मेहनत नहीं करी दूसरा होता है मैक्या राजनीतिक विचार यानी कि मैकयावेलिनिज्म मैकियावेजम पर्सनालिटी ट्रेड जो है व्यक्तित्व का लक्षण जो है यह एक इंसान निकोलो मैक्यावेली के नाम पर रखा गया इसमें जो लोग में उच्च होते हैं वह लोग बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं उनको अपने लक्ष्य से मतलब होता है अब उस लक्ष्य को पाने के लिए वह किसी भी रास्ते को चुनना पसंद करते हैं लेकिन इसी के विपरीत जो लोग मैकियावेलिनिज्म में कम होते हैं उन लोगों के लिए रास्ता उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत मायने रखता है अगर वह सही रास्ता है तभी वह उस रास्ते को चुनेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे लेकिन अगर वह रास्ता सही नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ेंगे हां देखा गया है कि जब हम मैकेवलनिज्म की बात करते हैं तो जो लोग हाई होते हैं उसमें उच्च होते हैं वो बहुत ईजिली दूसरों को मैनिपुलेट भी कर देते हैं इसके अलावा जो तीसरा व्यक्तित्व विश्लेषण है वह है टाइप ए और टाइप बी यह दो तरीके की पर्सनालिटीज़ होती हैं टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग जो होते हैं वह हमेशा परेशान रहेंगे एक साथ कई कार्यों को करने के लिए लगे रहते हैं वह अपना खाली समय अच्छे से एंजॉय नहीं करते वहीं पर टाइप बी पर्सनैलिटी वाले लोग एक समय पर एक कार्य को केंद्रित करते हुए उसे उच्च रूप से प्राप्त करते हैं और अपने खाली समय को अच्छे से व्यतीत करते हैं आराम से रहते हैं ज्यादा चिंता नहीं करते ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते तो तो थे अलग अलग प्रमुख व्यक्तित्व लक्षण तो प्रिय विद्यार्थियों मैं समझती हूं कि आपको व्यक्तित्व की मूल अवधारणा समझ आई होगी और इसके साथ साथ आपको यह भी समझ आया होगा कि कौन से ऐसे निर्धारक हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं और इसके साथ साथ हमने इसमें बिग फाइव डायमेंशन पर्सनालिटी डायमेंशन की भी बात करी और मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर को भी समझा और यह भी समझा कि किस प्रकार हम लोगों के व्यक्तित्व को समझकर उनके हिसाब से उनकी नौकरी की बात कर सकते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों मुझे लगता है कि आपको यह सब समझ आया होगा धन्यवाद